शाम होते जब सूरज ढलने लगता है, आसमां का नीला कैनवस रंगों से भरने लगता है। नीले रंग में पर कुछ अलग सी ही बात है, जाने कहां से मन में नई शुरुआत की उमंगे भरने लगता है। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो चलिए इसी नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। ब्लू पॉटरी का नाम आपने सुना ही होगा और इसको सुनते ही पिंक सिटी जयपुर की याद आती है। पर क्या आपको पता है ब्लू पॉटरी जयपुर की अपनी मूल आर्ट नहीं है? इसका जन्म मुगल एरा में अफगानिस्तान के जरिए हुआ। तकरीबन 4000 साल पहले मिस्र में खुदाई के समय कुछ ऐसे बर्तन मिले जो एक विशेष तरह की मिट्टी से बहुत ही कलात्मक ढंग से बनाए हुए थे। इसी खुदाई ने ब्लू पॉटरी को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया। जयपुर में इस आर्ट के जन्म का श्रेय महाराजा राम सिंह को जाता है, जिन्होंने इसे सीखने के लिए अपने दो कारीगरों को दिल्ली के एक कारीगर के पास भेजा और इस तरह से इन कारीगरों के परिवारों से ही आज यह सबके सामने आ पाई है। मटके पर सबसे पहले मैंने जैसो का एक बेस कोट किया है, उस पर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर किया है। मैं इस पर ट्रायंगुलर पैटर्न्स बना रही हूँ, आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो। पैटर्न्स बनाने के लिए आप स्टेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इस पर कलर करेंगे। ब्लू पॉटरी में वैसे तो नीले और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करते हैं, बट आज लोग इस पर बहुत से अलग अलग रंगों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ब्लू पॉटरी का इस्तेमाल सिर्फ बर्तन बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत सी सजावट की चीज़ें बनाने के लिए भी किया जाता है। मैंने यहाँ सभी ट्रायंगल्स को नीले रंग से पेंट कर दिया है और इस मटके के नेक को क्रोम येलो कलर की हेल्प से पेंट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। और पूरा पेंट होने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है। होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।